क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, आज के इस वीडियो में आपका विज्ञान का जो 20 सितंबर के दिन आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, जैसे ही कोई और जानकारी आपके त्रैमासिक पेपर से रिलेटिव आएगी पूरा सोल्यूशन ए टू जेड चीज़ आपको इस चैनल से मिलने वाली है। क्लियर, जस्ट अभी आया हुआ पेपर है तो देखिएगा सही विकल्प। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहां उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाएगा। क्लियर, क्या कहलाएगा? गलनांक, है ना। पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होते हैं? तो ठोसों के मध्य क्या रहते हैं? रिक्त स्थान रहते हैं, छिद्र रहते हैं। क्लियर है। सर्वाधिक विसरण वाला गुण है तो आपका गैस। दो या दो से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है तो विलयन का, है ना। वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का विलयन, है ना। देखो, सभी जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर मैं फेक जानकारी दूंगा। क्लियर है। मेरे पास भी यहाँ पर घर नहीं बनता, आगे से कोई पेपर आया मैंने आपको अपलोड कर प्रोवाइड करा दे। क्लियर है। यदि कोई और जानकारी आएगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। और 9th से लेकर 12th, 9th, 11th, 12th, क्लियर, चारों क्लास के पेपर रह रहे हैं। कोई भाई हो आपका 9th, 10th, 11th, 12th में, तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाएगी जिसके जरिए वो उनके क्लास के क्वेश्चन के पेपर देख सके, चाहे वो 9th हो, 10th, 11th हो या 12th हो, है ना। जीवन की मूलभूत इकाई है तो जीवन में जो मूलभूत इकाई वो कोशिका की है। पादपों में जल का वाहन होता है तो किसके द्वारा? जाइलम उत्तक द्वारा। समसूत्री विभाजन कोशिका में होता है, पेत्रक। पौधों की पत्तियां में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें गैस का आदान प्रदान होता, आपने देखा हो जो नीम की पत्तियां रहे उसमें छिद्र रहते हैं। आप कहते हैं ना कीड़े ने काट के, कीड़े ने नहीं काटा, वो पौधे की पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है। रंध्र जिसे कहते हैं छेद, है ना। और आरेखिक पेशी आ जाएगा, एक ही प्रकार की कोशिका का समूह जो संरचना व कार्य में क्या हो? समान हो, मतलब संरचना भी समान हो उसका कार्य भी समान हो, उत्तक कहलाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक वाक्य में देखिएगा, दाब का मात्रक है तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। निलंबन का प्रकार का विश्लेषण होता है, ये नहीं मिला। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है? तो ऑडोमीटर जो रहेगा वो काटा गति का। क्लियर है। कितने पर घंटे चल रही गाड़ी है और कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चल चुकी है? क्लियर है। सही जोड़ी देखिएगा, गति का तृतीय नियम कहलाएगा। तो आप देखोगे तो गति का जो तृतीय नियम है वो वेग में परिवर्तन के लिए कहा जाता है। चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। त्वरण की बात करूं तो, और ये देखिएगा यहाँ पर त्वरण की बात करूं तो आपका जो त्वरण है यहाँ पर वेग में परिवर्तन के लिए किया जाता है। गति का तृतीयक नियम जो मैंने पहले बता दिया, मिस्टेक हुई थी, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होगी, है ना भैया। और चौथे की बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पाँचवा और छठा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर बचा हुआ जो सत्य असत्य वो यहाँ पर देख लीजिएगा। सत्य असत्य मैंने नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था और मिले भी नहीं थे, इसलिए मैंने जो चीज़ें याद है वो प्रोवाइड करा कर आपको फटाफट प्रोवाइड करा दी। क्लियर है। कुछ मैंने बताया ना, मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने, तो जितनी मदद आपकी होगी उतनी आपके लिए करेंगे। LPG व CNG का पूरा नाम, दो दो नंबर के, जहाँ से आपने कोचिंग क्लासेस की वहाँ से आप फ्रंट एंड नोट्स में इन क्वेश्चनों को देख कर याद कर लीजिएगा। और नहीं भी करोगे तो 9th की आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें आपका चैनल पर हमारे वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम, टिंडल प्रभाव, समांगी मिश्रण की परिभाषा, क्लोराइड विलयन के 2 गुण, अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए प्रैक्टिस के लिए डाले थे, वो अधिकतर क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आ गया। चाल और वेग में अंतर, गति को परिभाषित कीजिए, दूरी विस्थापन में 2 अंतर। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे मैंने डाले थे, वो अधिकतर क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि अथवा और दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन तो मिल गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए। यह आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र,
अब ऐसा नहीं कि ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो मिले वो आप कर लेना है। क्लियर है? तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर त्रैमासिक जो विज्ञान का पेपर था 9th क्लास का वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा।